हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फाइंड करते हैं इसी क्वाड्रेंट को सॉल्व करना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड सब में टर्म में लगाना पड़ेगा। तो 2 को डिवाइड करेंगे तो x पर आएगा माइनस हो जाएगा 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, 3/2 को क्या डिवाइड पर ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7/2 x इक्वल टू ए प्लस को क्या लगा दिया जाएगा माइनस हो जाएगा 3/2। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, लेफ्ट की वैल्यू को हम लोग कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म में क्या करना, 2 से 2 करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करें तो 2 में डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 3/2 x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49/16। क्योंकि ये आपको जो है टर्म ये बी का टर्म, ये 2ab का फॉर्म बनेगा तो a वैल्यू x है, b वैल्यू क्या है, अब 7/4 है तो फार्मूला में क्या, तो b का स्क्वायर का तो 7/4 का भी स्क्वायर लगा दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, राइट में भी और लेफ्ट में भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो राइट में लेफ्ट बन जाएगा आपका एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 49/16 x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका एसएल में 16 आएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 16 में 8 आएगा, 8 को करेंगे 3 में माइनस 24 प्लस 49 x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू अगर 25/16। अब ये होल स्क्वायर जाकर स्क्वायर कर आएगा राइट में तो हो जाएगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25/16। इसकी वैल्यू आएगी 5/4 होगी। अब क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, मतलब प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 5/4 क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो दो रूट देगा। अब करेंगे क्या, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। जब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे x माइनस 5/4 इक्वल टू 5/4 तो x का वैल्यू आएगा 5/4 प्लस 5/4 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो क्या करें, पहले 4 का डिवाइड लगा देंगे तो x स्क्वायर में आएगा, तो 4 का डिवाइड करें तो यहां बचेगा रूट 3x बचेगा प्लस 3/4 इक्वल टू 0, ठीक। अब 3/4 क्या करेंगे, राइट में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस रूट 3x इक्वल टू माइनस 3/4। अब क्या करेंगे, लेफ्ट वैल्यू को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म में हमको 2 से 2 करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3/2 इंटू x इक्वल टू माइनस 3/4। अब हम लोग कंपेयर करेंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू, एक वैल्यू x है और बी वैल्यू ये है, तो b के स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि b वैल्यू इसमें है नहीं। तो क्या करेंगे, b वैल्यू क्या होगा आपका रूट 3/2, तो 2 इंटू रूट 3/2 इंटू x प्लस इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे b का स्क्वायर। तो लेफ्ट में ऐड करें तो वो राइट में भी ऐड करना पड़ेगा कि वैल्यू क्या हमारी बराबर है, प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट में बन जाएगा आपका एक्स प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और राइट में क्या बनेगा, माइनस 3/4 प्लस 3/4, ये क्या हो गया बेटा, 0 जाएगा। एक्स प्लस रूट 3/2 इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर किसी स्क्वायर बराबर 0 होता है तो स्क्वायर हट जाता है, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0, एक्स वैल्यू आ गई आपकी माइनस रूट 3/2। दोनों वैल्यू क्या होगी आपकी, x वैल्यू माइनस रूट 3/2 होगी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। इस दोनों टर्म हमने क्या किया, राइट में ट्रांसफर कर दिया, तो b स्क्वायर का नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, 4 स्क्वायर पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब क्या करेंगे, राइट में जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x स्क्वायर माइनस इसको ब्रेक करना पड़ेगा 2ab के फॉर्म में, तो 2 4 को ब्रेक कर देंगे 2 * 2 * a * x, ठीक है, इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। तो फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो a माइनस b का होल स्क्वायर कब बनाना है, तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 2a वैल्यू x b वैल्यू 2a और ये प्लस b स्क्वायर, मतलब जो b वैल्यू होगी 2a होगी, इसके स्क्वायर क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं दोनों तरफ, x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a स्क्वायर, तो ऊपर लेफ्ट में ऐड करना पड़ेगा माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये बन जाएगा x माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दो तो स्क्वायर हुआ, स्क्वायर क्या लगे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा आपको x माइनस 2a इक्वल टू b, x इक्वल टू हो जाएगा b प्लस 2a, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, थैंक यू।